नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 103 खेल प्रशिक्षकों की भर्ती, 25 खेलों के लिए कोच आवेदन, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की तैयारी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा की हुई आराधना, विद्यादायिनी और पापनाशिनी होती है माता का ये रूप। बिहार में शिक्षा सुधार के प्रयास, शिक्षकों के लिए नया मूल्यांकन दिशा निर्देश, लाल पेन से गृह कार्य का होगा मूल्यांकन। बिहार ने मांगे 6 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य, 11,12,000 लाभुकों को चाहिए आवास। बांग्लादेश टीम ने होटल में अदा की नमाज, सुरक्षा कारणों से नहीं गए मस्जिद, 6 लाख अक्टूबर को होनी है इंडिया वर्सेज बांग्लादेश T20 मैच। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए 103 कोचों की बहाली की घोषणा की है। 25 खेलों के लिए 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने कोच के 200 पद सृजित किए हैं, लेकिन पहले चरण में अनुबंध पर 103 कोच नियुक्त किए जाएंगे। प्राधिकरण ने कोच हायरिंग पोर्टल लॉन्च किया है और आवेदन की स्क्रूटनी ऑनलाइन होगी। वहीं बहाल किए गए कोचों को विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया जाएगा और उन्हें राजगीर खेल अकादमी या जिला खेल पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत किया जा सकता है। बिहार के 17 जिलों में बाढ़ से लगभग 15 लाख लोग प्रभावित हैं। खासकर पूर्णिया के अमौर प्रखंड में स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 5 दिनों से बाढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचाई है, जिससे परिवार अपने घर छोड़कर सड़कों और ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। बाढ़ से स्कूलों और मदरसों में पढ़ाई प्रभावित हो गई है और लोग राहत कार्यों के अभाव में हैं। अमौर के मुखिया नियाज अहमद ने बताया कि गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है और सरकारी नावों की कमी से लोग फंसे हुए हैं। इसी प्रकार धुरपैली पंचायत में भी बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ राहत कार्यों के लिए ट्रक चालक दर दर भटक रहे हैं। इस बीच विधायक विजय खेमका बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत उपायों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है तथा अप्रोच पथ के कटाव स्थल को सैंड बैग से शीघ्र दुरुस्त करने को कहा है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, जब माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि भक्त का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्थ चंद्र है। उनका वाहन सिंह है और वे युद्ध की मुद्रा में होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों के सभी पाप और बाधाएँ नष्ट होती हैं और विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि माँ विद्या प्रदान करती हैं। आज भी देवी के मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे आज यानी 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करना और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहना है। विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत 1994 में हुई और इसका चयन 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया गया था। विश्व शिक्षक दिवस 2024 की थीम शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर है, जो शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करती है। राज्य में बंद जलापूर्ति योजनाएं अब 15 दिनों के भीतर चालू की जाएंगी। बता दें कि यह निर्णय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED की बैठक में लिया गया। PHED के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे व्यापक मरम्मत वाली योजनाओं को तुरंत चालू करें। वहीं विभाग ने कहा कि पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित 1188 योजनाओं में नई बोरिंग या मोटर बदलने की आवश्यकता है। कुल 70,157 जलापूर्ति योजनाओं में से 46,855 अभी कार्यरत हैं, जबकि 23,302 योजनाएं पहले से चालू की जा चुकी हैं। शेष योजनाओं की मरम्मत के बाद चालू किया जाएगा। इसके लिए 28,63,00,000 रुपये की स्वीकृति भी दी गई है।
बिहार सरकार ने कक्षा 1 से 8 में शिक्षण गुणवत्ता और सुधारने के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को गृह कार्य और कक्षा कार्य का मूल्यांकन लाल पेन से करने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना है। लाल पेन का उपयोग शिक्षकों द्वारा दिए गए सुधारों, टिप्पणियों और सुझावों को स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करेगा। इससे छात्रों को अपनी गलतियों को समझने और दिए गए सुझावों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी, जिससे उनके सीखने की प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद की जा रही है। NIA के DSP अजय प्रताप सिंह और उनके दो सहयोगियों को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए CBI ने गिरफ्तार किया था। मालूम हो कि पूर्व MLC मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। अब बीते दिन CBI की विशेष अदालत ने अजय प्रताप सिंह के अलावा हिमांशु सिंह और दीपू सिंह को 14 दिनों के लिए बेऊर जेल भेज दिया है। आरोप है कि DSP अजय प्रताप ने रॉकी यादव से 2.5 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी। CBI की टीम ने अजय के घर पर छापेमारी की, जिसके बाद अजय प्रताप को उनके 2 एजेंटों के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले की जांच अभी जारी है। बिहार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार से 6 लाख अतिरिक्त आवासों का लक्ष्य देने की मांग की है। मौजूदा वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने 2,43,000 आवासों का लक्ष्य दिया है, जबकि प्रतीक्षा सूची में 13,55,000 लाभुक बचे हैं। अब भी 11,12,000 लाभुकों को आवास मिलना बाकी है। इस साल 2,43,000 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें 1 लाख लाभुकों को पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपये भी हस्तांतरित किए जा चुके हैं। वहीं 2016-17 से अब तक बिहार में 36,53,000 पक्के मकान बनाए गए हैं और नए लाभुकों के लिए सर्वे की तैयारी चल रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी आई है, जहां इसे नागरिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। वायुसेना ने रनवे के पुनर्निर्माण का काम पूरा कर लिया है और अब राज्य सरकार से मिली 52.18 एकड़ भूमि की घेराबंदी शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस भूमि का उपयोग करने के लिए 4,73,00,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। भवन निर्माण विभाग ने 4 दीवारी के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने AAI को तुरंत धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि निर्माण प्रक्रिया में कोई विलंब ना हो। बिहार के सरकारी शिक्षकों के दशहरा अवकाश में शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। मालूम हो कि पिछले वर्ष शिक्षकों ने इस अवकाश की मांग की थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने 7 से 15 अक्टूबर तक प्रशिक्षण को रोकने की घोषणा की, जिससे शिक्षकों में खुशी का माहौल है। SCRET ने सभी जिलों के DEO को पत्र भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी है, जिससे शिक्षक त्यौहार के दौरान अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। नए कार्यक्रम की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी, जिससे शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन बेहतर होगा। दुर्गा पूजा को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी पटना में दुर्गा पूजा के दौरान लोग शांति भंग की आशंका को देखते हुए 1,35,000 असामाजिक तत्वों की पहचान की है, जिनमें से 26,000 से बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई भी की गई है। बता दें कि इस दौरान राज्य भर में 10,000 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें 2,200 पटना में होंगे, 31 DSP, 450 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 12 दंगा निरोधी कंपनियां भी विशेष रूप से तैनात की जाएंगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चिन्हित असामाजिक तत्वों को नियमित रूप से थाने में हाजिरी देनी होगी। एक स्टेट पुलिस कमांड सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इस वर्ष भी राज्य में 16,000 से अधिक दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और CCTV से निगरानी की जाएगी। पावापुरी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल इस वर्ष भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के 2,550वें महोत्सव की तैयारी कर रहा है, जो 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस भव्य महोत्सव में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम शामिल होंगे, जिसमें जैन अनुयायी और तीर्थयात्री भाग लेंगे। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने महोत्सव की तैयारियों की शुरुआत करते हुए इसे पहले से और अधिक आकर्षक बताया है। मुख्य आयोजनों में 1 नवम्बर को भगवान महावीर की अग्नि
संस्कार भूमि पर विशेष पूजा होगी। महोत्सव के दौरान 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें भगवान महावीर के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित कार्यक्रम होंगे, जो अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के संदेश को फैलाएंगे। बिहार के सहरसा में BDO नेहा कुमारी के खिलाफ जिला परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है, जिसके तहत उनकी गाड़ी का 4500 रुपये का चालान काटा गया है। आरोप है कि BDO की गाड़ी पर 2 राज्यों के नंबर प्लेट लगे थे, आगे बिहार का और पीछे उत्तर प्रदेश का। परिवहन विभाग के अधिकारी संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। BDO ने सफाई दी है कि यह गलती से हुआ था और उनकी गाड़ी पहले उत्तर प्रदेश में थी, जिसके बाद उन्होंने इसे बिहार में लाकर नया रजिस्ट्रेशन कराया था। BDO ने कहा कि हड़बड़ी में पीछे का नंबर प्लेट बदलना भूल गई थी और उनका आरोप है कि किसी ने जानबूझकर इसका वीडियो बनाकर वायरल किया। पटना में विदेश भेजने वाली एक फर्जी एजेंसी का भंडाफोड़ किया गया है। प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स POI ने महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स में स्थित स्वाति इंटरनेशनल एजेंसी पर छापा मारकर 105 पासपोर्ट, फर्जी ऑफर लेटर और अन्य दस्तावेज जब्त किए। एजेंसी न्यूजीलैंड, कतर, अजरबैजान और तुर्की में लोगों को भेजने का रैकेट चला रही थी। आरोपियों पर उचित कार्रवाई की जा रही है और FIR दर्ज की गई है। यह एजेंसी लोगों से 60,000 से 1.5 लाख रुपए वसूलती थी, जबकि मेडिकल जांच के लिए 3,000 से 10,000 रुपए चार्ज करती थी। विदेश जाने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे विजिट या टूरिस्ट वीज़ा पर ना जाएं और किसी भी समस्या पर POI प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेट्स कार्यालय के नंबर 9431246620 या 0612252111333 पर संपर्क करें। दस्तावेजों की मुफ्त जांच के लिए दिए गए ईमेल ID का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने दस्तावेजों की मुफ्त में जांच कराने के लिए हमेशा ऑनलाइन माध्यम से एजेंसियों को पैसे दें और रसीद संभाल कर रखें। यदि कोई एजेंसी नौकरी का विज्ञापन देती है तो उसकी पंजीकरण स्थिति इस वेबसाइट पर चेक करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एजेंसी विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है या नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच रविवार को ग्वालियर में खेला जाना है, लेकिन मैच से पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी कारण टीम प्रबंधन ने जुमे की नमाज मोती मस्जिद में अदा करने के बजाय अपने होटल में ही नमाज अदा की। पहले टीम का नमाज के लिए मस्जिद जाना तय था, लेकिन सुरक्षा कारणों से यह फैसला बदला गया। इसके लिए शहर काजी को बुलवाया गया। जिला प्रशासन ने इस मामले में कहा है कि मस्जिद में नमाज अदा करने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। मालूम हो कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंध इस समय अच्छे नहीं हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, छोटू राज, गुनर शर्मा, नरेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, शशि कुमार, नौशाद रजा और राम बाबू दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप जलापूर्ति योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं अपने क्षेत्र में? तो अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।